आपने अपनी स्टडी में इसको भी शामिल किया है और अखबारों का नजरिया क्या बदला है कि खबरों को लिखते वक्त और अगर चार साल पहले या दो साल पहले का नजरिया और अभी के नजरिया में कोई बदलाव आ रहा है? थैंक यू। Similarly, the chapter, extreme left in Sudan, Qatar, within logically reason, Qatar. So, you can say this woman is about the original discussion who are from the time. This is a part of the very great, this teacher taught me. This teacher taught me. Lekin, this is a part of the very central of the time. दलित महिलाओं के साथ हुआ उसकी चर्चा इस पर से कर हम लोग समझते कि ये अचानक हो रहा है नया हो रहा है या एक्सीडेंट हो कहीं ना कहीं जो हमारा पास है आस पास और वो पास राइट फ्रॉम इंडियन स्टेट उसका चारों भ्रष्टाचार एक्सीडेंट जुडिशियरी एंड उसका चौथा जो स्तंभ है मीडिया जो पास आ रहा है उसमें उस स्ट्रक्चरली इम्पैक्ट और यही नहीं मैंने परसों एक मैं सही प्रकाश सिंह के जन्मदिन पर किसी गांव में गया था और एक बहुत ही लिबरेटेड किस्म की बातें बोल रहे थे लेकिन बातचीत से ऐसा लगा कि वह लिबरेटेड आदमी के लोगों को समाजवादी और साम्यवादी लगता है शहीद भगत सिंह का अनुयायी है लेकिन जब बात करते हैं तो वहां बहस निबंधित उनको लगता है कि जो जेंडर इश्यू है ये वायरस मैं इन जेंडर का नहीं सारे पुरुषों को उसमें लेते कहीं कहीं पुरुष में भी इम्बेडेड वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कहीं न कहीं और को रिफ्लेक्टेड होता है मैं समझता हूं इस तरफ जितना ध्यान देना चाहिए था इवन स्कॉलर्स का या रिसर्च में जो इसको स्थान मिलना चाहिए शायद नहीं मिला और आने वाले दिनों में इस डिस्कोर्स को बढ़ावा दिया हम समझते हैं समाज के मानव तक थैंक यू इसका एक अच्छे ये जानना था कि अपराध बढ़े हैं नहीं पड़े लेकिन एक तो स्टडी का जो पीरियड है वो इतना छोटा था कि उसमें से ये बात निकल के आना बहुत मुश्किल था और हम ये जरूर कह सकते हो कि कवरेज को तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है बहुत ही मामूली सा फर्क था मुश्किल से 10-15 कवर को ये जरूर मैंने देखा जून के जब अखबार मैंने देखे तो उसमें जैसे पहले अपने इनिशिएटिव पर न्यूज़पेपर कुछ नहीं लिखते थे और यहाँ बिल्कुल मामूली से 2-4 लाइन के संक्षेप में खबरें मिलती थी सूचनात्मक अब खबरें थोड़ी सी बड़ी थी और कभी कभी खबरें फ्रंट पेज पे भी लिखी थी अब मैंने ये देखा महसूस किया कि अखबार का नजरिया भी थोड़ा सा बदला है महिलाओं को तीन चार की खबरों का वो इस अखबार ने एक दिया 2-2 उसका 2-2 के कॉलम है उसमें उसने एक खबर एक दिन वो जून के अखबार में था इसे एक काम में दो महिलाओं ने अपने साथ ससुर को अपने हाथ को काट दिया तो हुआ यह था कि ससुर उसमें इस वक्त में बहू को छेड़ने लगा होगा और दो दो बेटाने जेठाने दोनों ने मुझे उसका उसका हाथ काट दिया अब इस तरह से खबर को उसने बहुत अप्रिशिएट करते हुए महिलाओं के सेहत को अप्रिशिएट करते हुए उस खबर को दिया था और ये अपने आप में बताते हैं कि अखबार का मूल्य थोड़ा सा बढ़ हुआ है लेकिन कवरेज नहीं बढ़ा है और मुझे लगता है कि वही सबसे ज्यादा चिंता की बात है कवरेज पढ़ना बहुत धन्यवाद और मैं माफी चाहूंगी समय कम था बहुत बड़ा विषय है आगे बात करेंगे जी धन्यवाद आप लोगों का बात करने के लिए जी थैंक यू हम लोग अपना अगला सत्र शुरू करते हैं जो वित्तीय समावेश और सरकारी कार्यक्रम के ऊपर है फाइनेंशियल इंक्लूजन और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इसके
मंच पे श्री विजय प्रकाश जी को जाना चाहूंगा, प्रोफेसर मनोज किशोर चौधरी, जॉन ब्लॉमक्विस्ट, डॉक्टर जॉन ब्लॉमक्विस्ट वर्ल्ड बैंक से आए हैं, और डॉक्टर प्यारे लाल और जीविका से महेश चंद्र शरण जी आए हैं, जो हमारा कोविड मॉडल है इसके पहले पहले नहीं बुला रहे इसके। अपना शुरू करते हैं जो वित्तीय समावेश फाइनेंशियल इंक्लूजन और सरकारी कार्यक्रम के ऊपर है। मैं श्री विजय प्रकाश जी जो प्रधान सचिव हैं योजना एवं सांख्यिकी के बिहार सरकार के, उनसे आवेदन करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस सत्र का सत्र की अध्यक्षता करें। पैसा कटाई कट जाता है, मतलब कि
ये जो ट्रांसफर करता है वो किस प्रतिशत अपने लिए रख लेता है। और आगरा में सरकार के बहुत स्कीम है, बहुत योजनाएं है, पेंशन की योजना है, छात्रवृत्ति है, नरेगा है, और उसमें कैश की जरूरत होती है, कैश ट्रांसफर होता है, लेकिन वो अकाउंट नहीं होने की वजह से महिलाओं के पास नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जब अपना शोध किया तो हमने ये देखा कि महिलाओं ने ये कहा कि हम पसंद करना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई स्रोत नहीं है। अब अगर ये सब करना हो तो अभी इस समय क्या क्या स्रोत है, क्या क्या रास्ते हैं? एक तो आगे चलिए, एक तो है कि बैंक अकाउंट, तो आरबीआई हैज पुट प्रेशर ऑन द बैंक्स टू ओपन न्यू सेविंग्स अकाउंट। सरकार ने ये कहा है कि आप गरीब महिला पुरुष के अकाउंट खोलिए, और बैंक खोल भी रही है। कहीं कहीं आज सवेरे इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, लेकिन कहीं कहीं बैंक खोल रही है, लेकिन महिलाओं के अकाउंट खोलना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे इसमें क्या क्या तकलीफ है मैं अभी नहीं कहती, बहुत तकलीफें हैं, लेकिन एक तकलीफ मैं जरूर कहूंगी कि महिलाओं के केवाईसी नॉर्म नहीं होते, महिला के पास अपना घर का पहचान और दूसरा एक पहचान नहीं होता, इसलिए महिलाओं के अकाउंट जल्दी नहीं खुलते। दूसरा पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है, उसमें हर गाँव में एक डाकघर है, लेकिन फिर भी पैसा ट्रांसफर करने में तकलीफ होती है, और उसमें भी बहुत सारी तकलीफें हैं जो मैं अभी नहीं कह सकती। तीसरा है लघु वित्त की संस्थाएं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, वो जल्दी ऋण दे देते हैं, ये होना चाहिए, बेहद चाहिए, इतनी चाहिए, और लेकिन उसमें वो सेविंग्स नहीं कर पाते। और बहुत बार ये भी हो जाता है कि एक संस्था में से ऋण लिया जाता है, फिर दूसरी संस्था में से लिया जाता है, तो ओवर लोनिंग हो जाती है और वो महिला उसको वापस नहीं दे पाते। फिर है स्वयंसेवी समूह, स्वयंसेवी समूह आजकल महिलाओं बहुत पसंद करती है। उसका एक कारण ये भी है कि वो इकट्ठा होने का एक संगठन का एक स्रोत बन जाता है, तो महिलाएं साथ आती है, ग्रुप बनाती है, आपस में बात करती है और घर से बाहर निकलती है। स्वयंसेवी समूह के द्वारा सरकारी कई योजनाएं भी जा पाती है, लेकिन अपने समूह के लेवल पे तो वायरल हो जाता है, वो अपनी वहां कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब वो फेडरेशन बनता है तो इट इज नॉट फाइनेंशियली वायबल। फाइनली कोऑपरेटिव है, समितियां हैं जो चल सकती है, और सेवा दे बिहार में एक सेविंग्स एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव शुरू भी किया है, और लेकिन उसको चलाना मुश्किल है, इसलिए हमारे पास आपने इस समय नहीं है। और ये भी एक बहुत बड़ी तकलीफ है कि सचमुच में कितनी महिलाओं के अकाउंट में कितने सेल्फ हेल्प रुपये तो मैं हमारे पास कितनी महिलाओं का समावेश हुआ है वो आंकड़े हमारे पास नहीं है। ऋण है तो बिहार में ऋण की मांग बहुत ऊंची है। एक अंदाजा लगाया गया है कि टोटल डिमांड फॉर क्रेडिट फॉर बीपीएल हाउस होल्ड पर ईयर इज 6,700 करोड़, इतनी जरूरत है, 6,700 करोड़ की जरूरत है, लेकिन एक्चुअली इससे बहुत कम दिया जाता है, वो भी आंकड़े हमारे पास नहीं है, इसलिए हमारे पास बहुत आंकड़े नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा जरूर है कि सिर्फ 4% बहनों को, 4% महिलाओं को बैंकों में से ऋण मिलता है। इसमें बहुत कारण है, मैंने एक कारण देने हैं, वो एक है कि किसान क्रेडिट कार्ड महिलाओं के नाम पे नहीं दिया जाता, हमेशा पुरुष के नाम पे दिया जाता है, क्योंकि जमीन पुरुष के नाम पे होता है, पुरुष प्लान करके चला जाता है, इसलिए किसान लोन जो मिलने चाहिए वो महिलाओं को नहीं मिलते। स्वयंसेवी समूह में भी सेविंग्स काफी बन जाती है, लेकिन फिर बैंक लोन जल्दी नहीं देते। मैं स्वयंसेवी समूह पे आऊँ तो सरकारी बहुत प्रोग्राम है,
सिटी समूह के द्वारा बनाई जा रही है, उसमें जिली का है, डिविजन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, एचजीएसआई है, तो उनके द्वारा स्वयंसेवी समूह बहुत ही ज्यादा बढ़ाई जा रही है। उससे महिलाओं की सशक्तिकरण बढ़ती है, ये डिग्रियां भी बढ़ जाती है, इसमें से अलग अलग प्रोग्राम के लिंक भी हो जाते हैं। मैं एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी कि हमारे पास ये स्टडी में एक अनुभव हमारे पास ये आया है, एक महिला थी मधु देवी करके, तो उनके पति का नाम था, वो मच्छी लाया करते थे और उसको बेचा करते थे, और फिर वो बात खराब हो गया, लोन लेने के लिए उन्होंने साहूकार के पास से लोन लिया, ऋण लिया, साहूकार के पास से ऋण लिया, वो उनके पति बीमार पड़ गए, पति पैसे वापस नहीं दे पाए, तो वो साहूकार ने उनको सबका याद कराया, फिर बाजार में उनको फिर काफी मारा, फिर भी वो लोन वापस नहीं दे पाए, तो एक बार उन्होंने कह दिया कि आप अपनी पत्नी को भेज दीजिए मेरे पास। तो उस समय वहाँ पे स्वयं सेवी समूह बने थे, तो स्वयं सेवी समूह की पहलों को ये पता चला, वो सब में पैसा इकट्ठा करके वो सब कार के पास गए और उसके घर में पैसे डाल दिए। तो इससे ये मैं आपको खुद इसलिए बता रही हूँ कि सिर्फ वित्तीय समावेश नहीं, लेकिन इससे सशक्तिकरण भी बढ़ता है। आगे चलो संक्षिप्त में आपको बता रही हूँ, ये सेक्शन है, इसमें हम लोगों ने जब ये सर्वे